नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर अलर्ट और मौसम में ठंडक होगा। तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम? लोहरदगा, लातार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावा, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई थी। अब तक मौसम में ठंडक के उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की मिली ताजी जानकारी के मुताबिक झारखंड में आज सुबह के शुरुआती दिनों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग रांची की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा आज सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा जिलों में ओले गिरने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक रांची और खूंटी, गुमला में दोस्तों मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है और अगले 24 घंटों के दौरान धीरे धीरे मौसम सूखा हो जाएगा। हालांकि कई जगहों पर कोहरा भी रहेगा, उतार चढ़ाव जारी और 19, 20, 21 तारीख को एक बार फिर से झारखंड का मौसम बदलेगा और बरसात की गतिविधियां शुरू होने के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। मौसम मिला जुला ठंडा सोना भी जरूर देखने को मिलेगा। राजधानी रांची में इसके आसपास के इलाकों पर अचानक हुई तेज बरसात ओलावृष्टि से तापमान गिर गया है। वहीं ग्रामीण में दोस्तों जो कई जगहों पर किसानों को इससे काफी नुकसान भी देखने को मिला है। अब बताया जा रहा है कि दोस्तों मौसम विभाग रांची के मुताबिक पूर्वानुमान में बताया जा रहा है कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में 3 दिनों तक कोहरा और धुंध छाए रहने के बाद मौसम साफ रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। वही दोस्तों तेज हवाओं के साथ पश्चिम विक्षोभ में एक बार फिर से असर देखने को मिलेगा और जिसका असर यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न हिस्सों में पड़ते हुए नजर आएगा। झारखंड पर भी इसका रहेगा और तेज आंधी तूफान के साथ बागवानी वर्षा के साथ दोस्तों आम के जो है मंजर को बर्बाद कर दिया, यानी कि दोस्तों शहर के धुरुआ क्षेत्र में इसका अधिक असर देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो राज्य में यहाँ पर अधिकांश जगहों पर, कई जगहों पर दोस्तों जो है मध्यम दर्जे की बरसात हुई है। रांची में भी कहीं कहीं पर ओले गिरे, मौसम में बदलाव देखने को मिले। सबसे अधिक बरसात दोस्तों 35 यहाँ पर मिलीमीटर रांची में रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री के करीब भी रिकॉर्ड हुआ और मौसम विभाग की माने तो चाईबासा में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। जबकि कई जगहों पर परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह के साथ बदलाव है। मौसम ठंडा सोना भी, उतार चढ़ाव भी जारी है। कल रात से काफी मिला जुला मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोहरदगा, लातार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों पर परिवर्तन, मौसम में बदलाव और मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है और तेज हवाओं के साथ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर लोहरदगा, लातार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा समेत मौसम में हलचल है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम समेत मौसम में बदलाव और ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। आज रांची में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री तक रहते हुए नजर आएगा। इसी के साथ मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर आसमान में कोहरा छाया रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। बेमौसम बरसात से खेती बाड़ी और मिला जुला असर पड़ रहा है। कई जगहों पर हुई बरसात से के कारण दोस्तों कई पश्चिम विक्षोभ की वजह से कई जगहों पर तबाह वाली बरसात देखने को मिली, जिस वजह से सबसे अधिक जो है किसानों को दोस्तों जो है मुसीबत हुई है। 19 फरवरी से फिर मौसम बदलेगा झारखंड में। शुरुआत से घने कोहरे के साथ खलारी, बोकारो, हजारीबाग, पलामू समेत कई इलाकों में सुबह से घना कोहरा देखा गया। वही राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से गुमला, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, सरायकेला, खरसावां में जमकर ओले भी पड़ते हुए नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जारी रहेगा, लेकिन बरसात नहीं होगी। अगले 1 से 2 दिनों तक सुबह सुबह कोहरा देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहेगा, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर जो है ना राजधानी रांची में 58 मिलीमीटर के करीब गुरुवार को बरसात देखने को मिली थी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ ठंडा सोना भी रहा। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने के आसार है। ऐसे में 19 तारीख से एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने के साथ झारखंड के मौसम में बदलाव और परिवर्तन के साथ ठंडा सोना देखने को मिलेगा। आप झारखंड में रहते तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं और आपके यहाँ पर मौसम में बदलाव और परिवर्तन हुआ कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। रांची, खूंटी, गुमला के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ पूरे झारखंड के मौसम में ठंडक और बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले मंगलवार, बुधवार से परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है और बादलों की अवधि भी जारी रहेगी। झारखंड में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोहरदगा में 10, 11, 12 रात के समय, दिन में 24, 25 बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। लातेहार में 12, 13 रात के समय, दिन में 25 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने के साथ ठंडा सोना भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों कोडरमा में 14, 15, 16 रात के समय, दिन के समय 24 के आसपास तापमान रहेगा, 4 दिन मौसम साफ, उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। वही दोस्तों कुछ कुछ जिलों पर जो है मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर खूंटी में 13, 14
के समय दिन में 25 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी और मौसम ठंडा सोना देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे जामताड़ा में 15-16-17 रात के समय दिन में 27 के आसपास तापमान रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है, उतार चढ़ाव भी जारी और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन भी अधिक से अधिक होगा। हजारीबाग की बात करें तो 12-13 रात के समय दिन में 24 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों की आवाजाही के साथ बदलाव आने के आसार है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर गुमला का मौसम बदल रहा है, बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और ज्यादातर इलाकों पर मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। गोड्डा में 15-16 रात के समय दिन में 26-27 बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ परिवर्तन होगा और मौसम बदलाव होने के आसार है। गिरडे में 14-15 रात के समय दिन में 26-27 बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम ठंडा सोना रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल होगी और परिवर्तन आने के साथ बादलों की आवाजाही के साथ बदलाव के साथ मौसम अधिक से अधिक ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों गढ़वा में 13-14-15 रात के समय दिन में 25 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, सोमवार मंगलवार से बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहने के आसार है। पूर्वी सिंहभूम में 17-18-19-20-21 रात के समय दिन में 30 के आसपास तापमान रहेगा, सोमवार से बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ हलचल होगी। दुमका की बात करें तो 15-16-17-18 रात के समय दिन में 27 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, धनबाद में 14-15-16 रात के समय दिन में 27 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। देवघर में 15-16-17-18 रात के समय दिन में 26 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी और मौसम ठंडा सोना देखने को मिल सकता है। बोकारो में 14-15-16 रात के समय तो दिन के समय यहाँ पर जो है ना 27 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी और मौसम ठंडा सोना देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों चतरा का मौसम बदल रहा है, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है। सिमडेगा में 16-17-18-19 रात के समय दिन में 27 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है। खरसाओं में 16-17-18-19 रात के समय दिन में 27-28 बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में ठंडक रहेगा, सोमवार मंगलवार तक बादल छाए रहने के साथ मौसम अधिक से अधिक ठंडा सोना और परिवर्तन होने के साथ बदलाव भी जरूर देखने को मिलेगा। सरायकेला की बात करें तो 17-18-19 रात के समय तो दिन के समय मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, 28 के आसपास तापमान रहेगा, मंगल और बुधवार से बादल छाए रहने के साथ हलचल और परिवर्तन होने के साथ ठंडा सोना अधिक से अधिक जगहों पर रहेगा। साहिबगंज की बात करें तो 17-18-19 रात के समय दिन में 26-27 के करीब तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा और बुधवार गुरुवार से बादल छाए रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और मौसम विभाग की मान तो खास करके बुधवार और गुरुवार को दोस्तों तापमान में गिरावट के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन होगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे रांची में 13-14-15-16 रात के समय दिन में 24-25 बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक, सोमवार मंगलवार से बादलों की आवाजाही के साथ बदलाव और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। रामगढ़ की बात करें तो 13-14-15-16 रात के समय दिन में 26-27-28 बादलों की आवाजाही के साथ सोमवार से मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और ज्यादातर इलाकों पर मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। पलामू में 14-15-16 रात के समय दिन में 24 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और बदलाव देखने को मिलेगा। पाकुड़ में 16-17-18 रात के समय दिन में 27 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी है, झारखंड के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम ठंडा सोना अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों नए पश्चिम विक्षोभ के साथ ही पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव आएगा और यहां पर कई इलाकों पर दोस्तों 19-20-21 के करीब मौसम में बदलाव है। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में मध्य भाग शामिल है, खास करके रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पलामू और गढ़वा में भी दोस्तों कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग